स्क्रॉल करते हुए कभी कभी किसी का पोस्ट आपको ऐसे देखने को मिलता है फेसबुक में, थोड़ा सा बोल्ड होता है, कभी कभी किसी टेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा अंडरलाइन मिलता है, क्या आप ये करना चाहते हैं? बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, एक छोटा सा कोड लिखना होता है आपके टेक्स्ट के सामने। तो किस तरह इसको करते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे अपना वैल्यूएबल ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दे। ऊपर देखिए एक लाइक बटन है उसको ब्लू कर दे, पास में देखिए घंटा बटन है उसको जोर से दबाइए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। फेसबुक पेज में स्क्रॉलिंग करते करते किसी किसी का टेक्स्ट आपको बोल्ड या उसके नीचे अंडरलाइन मिलता है, आप सोचते हैं इस तरह का टेक्स्ट किस तरह किया जाता है, बहुत सारे टेक्निक इसके लिए अप्लाई करना होता है, आप ये सोचते हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं फेसबुक पेज में जाके। तो पहले आप अपने प्रोफाइल में आए, जहां आपको कुछ पोस्ट करने के लिए टेक्स्ट लिखने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, वहां कुछ आप टाइप कर लें। याद रखिए ये वाला ट्रिक आप कमेंट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। लिखने के बाद एकदम सामने आपको लेस देन, बीच में बी, उसके बाद ग्रेटर देन दे के कंप्लीट कर देना होगा। फिर यहां देखिए आप डन करेंगे तो ये सारे लिखावट जो है वो बोल्ड में आ जाएगा। ये रीजनल लैंग्वेज के ऊपर भी एप्लीकेबल है, इंग्लिश के ऊपर भी एप्लीकेबल है। और एक ट्रिक है, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो ये बोल्ड, इटलिक और रोमन टेक्स्ट को आप ईमेल में किस तरह करना चाहते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो आई बटन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसको देख के आप सीख सकते हैं। और WhatsApp में किस तरह आप बोल्ड इटलिक टेक्स्ट को लिख सकते हैं ये अगर जानना चाहते हैं और भी एक वीडियो है जो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ आपको जस्ट सिंपली लेस देन बी फिर ग्रेटर देन देके क्लोज कर देना होगा, फिर जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वहाँ सारे बोल्ड में आ जाएगा। लेकिन आप अंडरलाइन भी करना चाहते हैं तो पहले आपको लेस देन बी फिर ग्रेटर देन देके क्लोज करना होगा, फिर आपको लेस देन लिखना होगा, फिर यू लिखिए, फिर ग्रेटर देन देके उसको क्लोज कर दीजिए। जितने सारे लिखावट उसके बाद अगर आप पोस्ट करेंगे तो वो लिखावट या उस टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन भी आ जाएगा, आप सामने देख ही सकते हैं। याद रखिए कमेंट के ऊपर भी ये सिंपल ट्रिक को आप अप्लाई करके अपने टेक्स्ट को बोल्ड या अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को भी इसको शेयर कर दीजिए, उसको भी बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके बाय दोस्तों, और कोई दिन और कोई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। चलिए बाय।